अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एट योर होम दीज डेज. माई सेल्फ इज़ इल्मा, आई एम पार्ट ऑफ न्यू हॉरिज़न पब्लिक स्कूल. सो आई टेल यू 8th क्लास टुडे योर टॉपिक. आपका सबक नंबर पहला है अल्लाह की कुदरत, यानी कि अल्लाह की शान, अल्लाह की बनाई हुई ऐसी चीज़ें जो अल्लाह की कुदरत है, जैसे कि चाँद है, तारे हैं, हम ये सब कुछ जो है अल्लाह की कुदरत है. आपका सबक नंबर पहला है 8th क्लास, अल्लाह की कुदरत. इस सबक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ कि इसमें अल्लाह का जिक्र किया गया है और अल्लाह की बनाई हुई कुदरती बनाई हुई चीज़ों का जिक्र किया गया है. जैसे खुशनुमाई, खुशनुमाई के मायने होते हैं खूबसूरती. अदा, अदा का मायने होता है अंदाज़, इत्र खुशबू, ऋतु मौसम, दिल झंड, शय चीज़, नादिर अनोखा, कादिर कुदरत वाला, मुराद खुदा. ठीक है, इसी टाइप से इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके मायने जैसे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. तो कौमी, ताकत वाला, उगाए पैदा किए, इसी टाइप से. आइए स्टार्ट करते हैं. आपको बहुत अच्छे से जहन में अपनी ये चीज़ें बिठानी है कि इस अल्फाज का मायने क्या है. अगर आप ये अच्छे से बिठा लेंगे तो आपको पूरी नज़्म समझ में आएगी और आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी होगी. और एक बार आप सबक समझ लेंगे ना क्या है, तो आप बिना याद करे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. आइए मेरे साथ आप दोहराइए और स्टार्ट करते हैं. जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें जाहिर है खुशनुमाई, रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी कलियाँ दिखाई उसने. हर चीज़ की अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई शय खाली. इन अशारों में कहा गया है कि हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में खूबसूरती है और उसने बहुत सारी रोशन चीज़ें बनाई हैं और हमें बहुत सारा अच्छी कली अच्छी शक्लें दिखाई हैं, उसने बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें दिखाई हैं. हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली. अदा का मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, अदा का होता है अंदाज़. मायने के उसकी हर बनाई हुई चीज़ का अंदाज़ एकदम अलग होता है और उसमें उसकी जो हिकमत है उससे कोई शय यानी कि कोई चीज़ भी उससे खाली नहीं है. उसकी रहनुमाई से नन्ही कलियां छट रही हैं, छोटी चिड़ियां फरक रही हैं. इसका मायने क्या है, कलियां छटक रही हैं मतलब जो छोटी छोटी कलियां खिलती हैं ना उसको, और जो हमारी चिड़ियां होती हैं वो उड़ना सीख रही हैं. तो ये सब क्या है, हमारी अल्लाह की कुदरत है. इसमें अल्लाह की कुदरत की बातें की गई हैं, तो ये सब अल्लाह की कुदरत है. चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए, मतलब चिड़ियों के अजीब मतलब अनोखे पर लगाए हैं और फूलों में जो है खुशबू है, इत्र में बसाया मतलब फूलों में खुशबू जो है वो अल्लाह की कुदरत है. चिड़ियों की जो पर हैं ये अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि सब अल्लाह का नवाजा हुआ है, इन सब चीज़ों से अल्लाह ने ही नवाजा है. तारों भरी रात के बनाए दिन को बख्शी अजब सफाई, मतलब तारों भरी रात के बाद जो एक सुबह होती है वो सुबह बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, बहुत ज़्यादा खुशनुमाई होती है. क्या दूध सी चांदनी है छटकी, हैरा होकर निगाह ठटकी. चांदनी सितारों भरी रात या फिर चांद की रोशनी ठटकी ठहरी. इसमें क्या बोला, तो इसमें कहा गया है कि चांदनी मतलब सितारों भरी रात अल्लाह ने हमें दी है और उसको देख के हमारी निगाह ठहर जाती है, उसकी खूबसूरती थोड़ी देर हम रुक कर देखना चाहते हैं कि किस कदर खूबसूरत है, जैसे चांद को, सितारों को. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं तो उसे देखते रहते हैं, तो ये सब क्या है, अल्लाह की कुदरत है. जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर ऋतु में नया समा नई बात. हर मौसम में एक अलग ही खुशनुमाई होती है, ठंड में अलग होती है, गर्मी में अलग होती है. बहार जो बरसात का मौसम होता है, जो हवाएँ चलती हैं, जो ऋतु होती हैं बरसात, तो हर मौसम में एक अलग ही समा होता है, एक अलग ही मंज़र होता है और एक अलग ही बात होती है. हर मौसम की अलग अलग फ़ायदे भी हैं बहुत ज़्यादा और नुकसान भी है. हर मौसम का अलग फ़ायदा है, जैसे कि खेती बाड़ी होती है हमारी, उसमें हर तरह की फसल के लिए हर तरह की ऋतु की ज़रूरत होती है, सर्दी की, गर्मी की, जाड़े की, बरसात की, हर तरह की. जाड़े से बदन है ठितरता, हर शख्स है दिन में धूप खा.